Class 6, Chapter 10, Name is Mensuration. Question 11 is of exercise 10.3. I am reading question 11. Split the following shapes into rectangle and find their areas. The measure as given in centimeter. मीन्स ये जो सारी वैल्यू गिवन है ये किसमें है, सारी सेंटीमीटर में से गिवन नहीं है लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है कि क्या सेंटीमीटर में वैल्यू है. ओके और फाइंड क्या करना है, एरिया. गोट इट. अभी देखिए, अब इसमें देखिए इसमें कितने रेक्टेंगल मीन्स इसमें किस तरीके से पार्ट डिवाइड होगा, इसका टोटल का एरिया फाइंड करना है जिस तरीके से क्वेश्चन 10 में कंप्लीट किया है. ओके तो अभी देखिए इसको इस तरीके से लाइन बना लेंगे इस तरीके से. तो ये वन रेक्टेंगल ये बन गया. ये देखिए अगर इसको हाइड करें तो ये ऊपर वाला आप लोगों को रेक्टेंगल दिख रहा है और इसको हाइड करेंगे ये इस तरीके से तो ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है. तो मीन्स इसमें टू रेक्टेंगल है. ठीक है, दोनों रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है. तो अब हम देखते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट, इसको फर्स्ट लेट कर लेते हैं, इसको सेकेंड लेट कर लेते हैं. ओके तो ये अपने पास टू रेक्टेंगल हो गए. तो फाइंड करेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल. ठीक है, इसकी लेंथ और ब्रिथ देखिए. ये क्या है, इसकी लेंथ टू. ठीक है, ब्रिथ और ये देखिए ये टेन है. ठीक है, लेंथ और ब्रिथ, दिस लेंथ दिस ब्रिथ. गोट इट. तो मींस क्या हो जाएगा इसका, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रिथ मींस टेन मल्टीप्लाई टू. ओके, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल. तो एरिया फर्स्ट रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रिथ, दिस इज फॉर्मूला. इसको लर्न करना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रिथ. ओके, ये फॉर्मूला होता है, पर ए पॉइंट यहाँ से राइट कर रहे हैं. ओके तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रिथ है तो टू मल्टीप्लाई टेन, जिस तरीके से अभी मैंने मेजरमेंट बताया हुआ है. गोट इट. कितना हो जाएगा, टेन टू जा ट्वेंटी. ओके और ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में क्वेश्चन गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज जब भी एरिया फाइंड करते हैं तो क्या आता है यहाँ पे, सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, फर्स्ट एंड एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल, इसमें टू रेक्टेंगल है. ओके तो अभी देखिए टू रेक्टेंगल है इसमें, तो फर्स्ट सेकंड रेक्टेंगल ये है, तो सेकंड रेक्टेंगल ये देखिए टू और यहाँ पे सिर्फ इतने की बात की जा रही, इतने की. ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, टेन है. एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ टेन मल्टीप्लाई टू, कितना हो जाएगा ये, टेन टू जो ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, टोटल एरिया ऑफ द फिगर, टोटल एरिया तो फाइंड करना है, टोटल एरिया ऑफ द फिगर. ओके तो टोटल एरिया मीन्स दोनों का प्लस, फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड ट्राइंगल. ओके तो फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया कितना, ट्वेंटी, प्लस सेकेंड का भी 20 है. दोनों के आंसर 20-20 आए, 20-20. ओके, 20 और 20 कितने हो जाएंगे, 40. तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल एरिया है. ओके, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीटेड. सेकेंड पॉइंट इज, अभी देखिए सेकेंड पॉइंट में क्या गिवन है. अब आप लोग ये देखिए सेकेंड पॉइंट में इसमें कितने स्क्वायर बन रहे हैं. ठीक है, अभी ये देखिए इसमें जो भी फिगर है सारी का एरिया फाइंड करना है. तो आप लोग ये देखिए इसमें अब यहाँ पे है क्या, इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं. ये देखिए इस तरीके से फर्स्ट, ठीक है, इनको भी ज्वाइन कर देंगे, इसको भी ज्वाइन कर देंगे, इसको भी ज्वाइन कर देंगे. ओके तो भी आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि ये सारे स्क्वायर ही दिख रहा है आपको. ठीक है, स्क्वायर की फोर साइड इक्वल होती हैं तो ये सारे स्क्वायर ही हैं. ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, स्क्वायर हैं. गोट इट. अब अपन क्या करेंगे इसका, पहले तो फर्स्ट का एरिया फाइंड करेंगे, मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर, बिकॉज ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल था इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर रहे थे, ये स्क्वायर है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर. और स्क्वायर की साइड ये देखिए सेवन सेवन है. ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की फोर साइड इक्वल है तो फोर साइड इसकी सेवन सेवन ही होंगी. एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड. इसको अपन को लर्न रखना है. ओके, साइड अपने पास कितनी है, सेवन. ठीक है, साइड दोनों सेम है तो सेवन मल्टीप्लाई सेवन होगा, सेवन सेवन से कितना हो जाएगा, 49. और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है कि सारी जो वैल्यू सेंटीमीटर में ही होंगी और एरिया फाइंड किए यहाँ पे, इसलिए स्क्वायर आ जाएगा.
ओके इतना क्लियर कि यहाँ पे अभी तो अपने क्या किया था, सिर्फ एक का एरिया फाइंड किया है, ठीक है, मीन्स वन स्क्वायर का। लेकिन आप लोग यह समझ सकते हैं कितने स्क्वायर हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हाउ मेनी स्क्वायर? फोर स्क्वायर, सॉरी फाइव स्क्वायर, ठीक है, फाइव स्क्वायर हैं अपने पास। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो भी सेम है, सेम वैल्यू है अपने पास, तो अपन डायरेक्टली फाइव का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके इसमें राइट करेंगे एरिया ऑफ फाइव स्क्वायर। ऐसे क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अपने पास फाइव स्क्वायर हैं और वैल्यू सेम है, इसलिए फाइव का मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले अपन वन का मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स वन स्क्वायर का अपन फाइंड कर लेंगे और फाइव का मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि अपने पास फाइव स्क्वायर हैं। गॉट इट? हाउ मेनी? फाइव। ओके और फॉर्मूला सेम है, साइड मल्टीप्लाई साइड, फॉर्मूला ये होता है फाइव स्क्वायर का। गोट इट? लेकिन अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाई साइड। अगर फाइव स्क्वायर का अपन फाइंड कर रहे हैं तो जो भी वन स्क्वायर का आया है तो फाइव का फाइंड करेंगे। ओके तो उसमें क्या करेंगे, फाइव का मल्टीप्लाई, ठीक है, 49 मल्टीप्लाई फाइव, ठीक है। ये मैंने राइट करके बताया था कि यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई साइड है। अगर अपन यहाँ पे साइड मल्टीप्लाई साइड राइट करते हैं तो यहाँ पे ये नहीं हो पाएगा। गोट इट? तो मीन्स इसमें फाइव स्क्वायर है तो जो भी अपने पास आंसर आया है वन का तो फाइव का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके फाइव नाइन जो 45, फाइव फोर केरी, फाइव फोर जो 20 एंड फोर प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 24, और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। गोट इट? बी पॉइंट कंप्लीटेड। नाउ सी पॉइंट इज, अभी देखिए सी पॉइंट में सेम कंडीशन है। ओके ये देखिए इसमें किसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं ये ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने रेक्टेंगल बन गए अपने पास, वन रेक्टेंगल, ये देखिए ऊपर वाला वन रेक्टेंगल और ये देखिए डाउन वाला सेकेंड रेक्टेंगल, तो अपने पास टू रेक्टेंगल हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पे लेंथ ब्रीथ गिवन है फाइव एंड वन। एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, ठीक है, लेंथ फाइव है एंड ब्रीथ वन है, जो भी अपन ने डायग्राम में देखा है, फाइव बन जाओ फाइव और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके अब फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल, दिस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, दिस फॉर्मूला। अब लेंथ ब्रीथ देखते हैं सेकेंड रेक्टेंगल की, तो ये देखिए सेकेंड रेक्टेंगल ये है, ठीक है, ब्रीथ तो सेम है वन, ब्रिज सेम है। ओके और लेंथ कितनी गिवन है, फोर, तो मीन्स वन एंड फोर, तो यहाँ पे राइट कर देंगे फोर लेंथ है एंड वन ब्रिज है, तो फोर वन जा फोर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, टोटल एरिया। ओके टोटल एरिया ऑफ द फिगर, गोट इट? तो अब ये देखिए टोटल एरिया फाइंड करना है, तो फर्स्ट रेक्टेंगल प्लस सेकेंड रेक्टेंगल, ठीक है, दोनों को ही तो प्लस करेंगे जो भी अपने पास है, तो सारी फिगर का एरिया आ जाएगा। फर्स्ट का कितना आया फाइव, प्लस सेकेंड का कितना आया फोर, तो कितना हो गया फाइव फोर नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, टोटल एरिया, क्योंकि यहाँ पे अपन ने अलग अलग एरिया फाइंड किया और वैल्यू डिफरेंट थी। अब आप लोग बोलोगे कि बी पॉइंट में टोटल एरिया फाइंड क्यों नहीं किया, बी पॉइंट में देखिए इसलिए फाइंड नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सारे सेम थे, डायरेक्टली अपन ने फाइव का मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया, ठीक है। अगर आप लोग एक कंडीशन और बताती हूँ, अगर आप लोग फर्स्ट का आया है तो इसको फाइव, जैसे कि फाइव स्क्वायर हैं तो फाइव स्क्वायर को अपन फाइव टाइम 49 प्लस करोगे फाइव टाइम, तब भी यही आंसर आएगा क्योंकि टोटल एरिया है। जिस तरीके से अपन टोटल एरिया फाइंड करना है, मीन्स फर्स्ट प्लस 49 फाइव टाइम प्लस करो तब यही आंसर आएगा। गोट इट? सी पॉइंट कंप्लीटेड एंड 11 क्वेश्चन कंप्लीटेड। ओके नाउ 12th क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रीथ आर, ठीक है, एक टाइल्स है तो जिसकी लेंथ और ब्रीथ गिवन है, तो लेंथ 12 एंड 5 रिस्पेक्टिवली विल बी नीडेड टू फिट इन द रेक्टेंगुलर डिजाइन हुज लेंथ और ब्रीथ आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अभी देखिए लेंथ और ब्रीथ डिजाइन की गिवन है, लेंथ है 100 एंड ब्रीथ 114 सेंटीमीटर, ठीक है, और फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना, लेंथ ऑफ ब्रीथ गिवन है और एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ये देखिए देखते जाइए एरिया ऑफ डिजाइन, ठीक है, तो मीन्स ये रेक्टेंगल टाइप का ही तो है, ठीक है,
रेक्टेंगल है, ठीक है। तो फॉर्मूला वही होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, और वैल्यू कितनी की बने 100 मल्टीप्लाई 114, तो 114 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 144, गोट इट, और 20 तो 20, और सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बिकॉज यहाँ पे एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट डबल एस आई, ठीक है। अब है एरिया ऑफ टाइल्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गिवन है, टाइल्स की लेंथ ब्रीथ गिवन है 12 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 12 एंड 5, तो एरिया ऑफ टाइल्स निकालेंगे तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होगा। अब यहाँ पे वन टाइल्स की गिवन है, क्योंकि जो वन टाइल्स होगी उसका लेंथ ऑफ ब्रीथ गिवन है वन टाइल, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा बिकॉज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, एरिया ऑफ वन टाइल 5 मल्टीप्लाई 12 5 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हाउ मेनी टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है कि कितनी टाइल्स हैं, ठीक है, हाउ मेनी टाइल्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी डिजाइन का एरिया है उसमें एरिया ऑफ वन टाइल का डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ओके। तो अभी देखिए एरिया ऑफ डिजाइन, तो 144 जो भी अपना आंसर आया ये, और एरिया ऑफ वन टाइल का है 60, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, ओके। 2 से 2 3 जो 6, ओके। 2 7 जो 14, 2 2 जो 4 और 0, 3 1 जो 3, 3 2 जो 6, ओके 6 हो गया, 1 बचेगा, 3 4 जो 12 और 10 तो 10, ओके। तो ये देखिए अपना नंबर ऑफ टाइल कितने आ गए, 240, जो कि ही अपना आंसर नंबर ऑफ टाइल्स, गोट इट। अब सेम कंडीशन बी पॉइंट की रहेगी, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है, बी पॉइंट में सेम कंडीशन 70 और 36 है, ठीक है, और यहाँ पे वन टाइल का ये है और नंबर ऑफ टाइल्स उसी तरीके से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे एरिया ऑफ डिजाइन, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, एरिया ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, तो लेंथ 70 एंड ब्रीथ 36, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2520, ठीक है। मल्टीप्लाई देख लीजिए किस तरीके से होगा, 36 मल्टीप्लाई 70, ठीक है, आगे पीछे करके राइट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई मीन्स आंसर सेम आएगा, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, ठीक है। 76 42 4 कैरी, ओके। 73 21 एंड 4 कितना हो जाएगा 25, ओके, प्लस कर देंगे 0252 मीन्स 2520 आंसर, ओके। अब एरिया ऑफ वन टाइल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, जो क्वेश्चन गिवन है 5 मल्टीप्लाई 12 5 60, नंबर ऑफ टाइल सेम कंडीशन, एरिया ऑफ डिजाइन अपन नंबर ऑफ वन टाइल, ठीक है, आंसर अपना ये आया है, और 60 का डिवाइड कर देंगे, ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे 23 जो 6, 21 जो 2, 22 जो 4, तो 1 बचेगा यहाँ पे, 12 हो जाएगा, 26 जो 12, ठीक है, फिर से 3 से कट कर देंगे, 3 1 जो 3, 3 4 जो 12 और 3 2 जो 6, तो नंबर ऑफ टाइल्स अपने पास यहाँ पे कितनी आ गए 42, ओके। नंबर ऑफ टाइल्स निकालना था तो इसमें सेंटीमीटर नहीं लगेगा नंबर ऑफ टाइल्स से, बिकॉज ये 42 टाइल्स हैं, ओके, ये एरिया नहीं है, ओके। बी पॉइंट कंप्लीटेड एंड क्वेश्चन 12 कंप्लीटेड, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 10.3 एंड ऑफ चैप्टर 10। थैंक यू।